गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ केशव कुमार शर्मा फ्रॉम डैफोडिल्स स्कूल। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमने पिछले वीडियो में हमने संधि का टॉपिक लिया था, तो संधि में हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानकारी करेंगे, तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो इससे पहले मैं ये बता देता हूँ, आप अपने पास एक नोटबुक एंड एक पेन दोनों साथ में रखें, तो कुछ एग्जांपल्स आप करना अपनी बुक के अंदर से और कुछ मैं करवाऊंगा आपको। तो शुरू करता हूं मैं अपने व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की डेफिनेशन क्या है कि व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार, मतलब कोई व्यंजन होगा प्रथम वर्ण के दूसरे अक्षर में और दूसरे अक्षर के प्रथम वर्ण में स्वर या व्यंजन आपस में जब मिलते हैं तो इनसे उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाते हैं। तो व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं जिनके माध्यम से हम आज व्यंजन संधि के बारे में जानकारी करेंगे। तो शुरू करते हैं व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है कि के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग से पहले कोई भी के, चे, टे, ते, पे से उसके बाद में कोई भी स्वर आए अथवा वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, जैसे गे, घे, जे, झे, डे, ढे, दे, धे, बे, भे, या इन शब्दों में ये, रे, ले, ब, ह आदि में से कोई भी शब्द आए तो पहले वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, जैसे तीसरा वर्ण हो जाता है, जैसे के स्थान पे गे हो जाता है, चे के स्थान पे जे हो जाता है, टे के स्थान पे डे हो जाता है। इसी प्रकार ये वर्ण हैं इनके तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे दिक् प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन के अंदर दूसरे प्रथम वर्ण का दूसरा अक्षर क है और क के बाद में दर्शन मतलब दूसरा वर्ण है जो व्यंजन का आ रहा है, तो व्यंजन का आ रहा है और कौन से वर्ग से आ रहा है, ते वर्ग के अंदर से, तो इसका ते वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, दिग् दर्शन मतलब दे में ही परिवर्तित हो जाएगा ये, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं भगवत प्लस गीता। भगवत गीता मतलब इसमें प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में तय वर्ण आ रहा है, तो इसका तीसरा वर्ण कौन सा होगा, तीसरा वर्ण होगा अपना धय, तो होगा भगवत गीता, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं हम कि दूसरा नियम क्या कहता है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण या तृतीय वर्ण के उपरांत कोई भी अनुनासिक वर्ण जैसे के वर्ग में अनुनासिक वर्ण अंतिम वर्ण होता है, इसी प्रकार कोई भी अनुनासिक वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है, अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे बाक प्लस मय, तो बाक प्लस मय से बांग प्लस मय का निर्माण होता है जो कि एक अनुनासिक वर्ण के कह का अनुनासिक वर्ण डे है। इसी प्रकार उत प्लस नयन का जोड़ने पर उन्नयन होता है। और एक उदाहरण देखते हैं षट प्लस मास बराबर क्षण मास, ये अनुनासिक वर्ण के माध्यम से बने हुए शब्द हैं। इसी प्रकार कुछ और नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि तय के उपरांत कोई स्वरिया गे, धे, दे, धे, बे, भे इन शब्दों में से कोई भी शब्द आए तो ते के स्थान पर तो दे हो जाता है, ठीक है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सत प्लस आनंद, तो ते के स्थान पे क्या करना है, अपने को दे बनाना है, तो सत प्लस आनंद को जोड़ने पे क्या बनेगा, सदानंद। और उदाहरण देखते हैं, जैसे सत प्लस धर्म, तो ते के स्थान पर हमको बनाना है, तय के स्थान में हमको दे बनाना है, तो क्या होगा, सद्धर्म। इसी प्रकार एक और नियम है, चौथा नियम क्या कहता है कि तय या दे के उपरांत चे या छे आवे तो तय या दे के स्थान पर तो चे हो जाता है, जे या झे के स्थान पे जे हो जाता है, टे या ठे के स्थान पे टे हो जाता है, डे या ढे के स्थान पर डे हो जाता है और ले के स्थान पर ले हो जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उत प्लस चारण तय के स्थान पे क्या बनाना है, हमको चे बनाना है, तो उत प्लस चारण को जोड़ने पे उच्चारण का निर्माण होता है। इसी प्रकार सत प्लस जन, और तो तय के स्थान पे हमको चे बनाना है, तो सत प्लस जन को जोड़ने पर सज्जन का निर्माण होता है। आइए और एक और नियम पढ़ते हैं, लास्ट और अंतिम अपना अभी आज का, कि पांचवा उदाहरण क्या कहता है, तय या दे के उपरांत शय हो तो तय या दे के स्थान पर चय तथा शय के स्थान पर छय हो जाता है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे उत प्लस शिष्ट,
उत्प्लस्ट को जोड़ने पे उच्चिष्ट का निर्माण होता है। और बाकी का बचा हुआ एक नियम हम अगले वीडियो में विसर्ग संधि के साथ पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझने में आया होगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आपको संबंधित टीचर से जानकारी करनी है। और अपने जो भी मैं आज तक का भी वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपको अपने नोटबुक के अंदर फिल करना है, एंड इसका वर्क करके आपको ग्रुप के अंदर शेयर भी करना है, जिससे आपका ये वर्क आपको पर डे चेक भी हो सके। और कोई प्रॉब्लम हो संबंधित अध्यापक से संपर्क कर सकते हैं। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू। कीप लर्निंग।